राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व महापौर अंजू चौधरी को जायसवाल महिला समिति के सदस्यों ने उनके आवास पर माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि गोरखपुर की महापौर अंजू चौधरी को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अंजू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाए जाने से महिला अधिकारों और सशक्तिकरण का दायरा बढ़ेगा, जिसको लेकर शनिवार को जायसवाल महिला समिति के सदस्यों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति की अध्यक्षा रीना जायसवाल और नवनियुक्त महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा। अंजू चौधरी जिंदाबाद, हमारी नेता कैसी हो, अंजू चौधरी जैसी हो, जिंदाबाद महिला समिति, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना काम बहुत निष्ठावान तरीके से किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो दायित्व मुझ पर दिया गया है, मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है महिला राज्य महिला आयोग का। राज्य महिला आयोग सबसे स्ट्रांगेस्ट आयोग माना जाता है और ये इसलिए स्ट्रांग माना जाता है क्योंकि इसमें हम महिलाओं का, जो कि योगी जी का पहला प्रोग्राम जो था आपको याद होगा कि रोमियो स्क्वाड बनाया था उन्होंने, ऐसे लोगों को जो महिलाओं को या बच्चियों को लड़कियों को परेशान करते हैं उन लोगों के अगेंस्ट एक मुहिम चलाया था। तो मैं उसी मुहिम के तहत मेरा कर्तव्य दायित्व यही रहेगा। महिला आयोग का मतलब ही है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का दायित्व, महिलाओं के स्वास्थ्य की फिक्र करना, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रही है, महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, महिलाओं को या बेटियों को या बहुओं को या बच्चियों को किस तरीके से आजकल बलात्कार की ऐसे चीज़ें इतने आराम से करके लोग निकल जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ऊपर अंकुश कसने का काम करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं एक ऐसा नंबर भी दूंगी जो कि एक टोल फ्री नंबर होगा जिस पर कि हमारी बहनें रात हो या दिन हो 24 घंटा मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं रहता, शुरू से मेरी आदत रही और आज भी मैं यही चाहूंगी कि एक टोल फ्री नंबर दूंगी। कोई भी महिला किसी तरह की परेशानी में हो तो वो टोल फ्री नंबर तुरंत ट्रेस कर लेगा कहाँ है और वहाँ पर पहुँच करके उस महिला की परेशानी को दूर करेगा। मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज योगी जी और महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों ने मिल करके मुझे ये दायित्व सौंपा है। माननीय सुनील बंसल जी और माननीय राजनाथ सिंह जी, ये लोग सब ने मिल करके कोर कमेटी की बैठक थी, माननीय रमापति राम जी ने मुझे बताया कि कोर कमेटी की बैठक में आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा था और बहुत ही अच्छा हुआ कि आपको उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि इस क्षेत्र में आपने जो काम महिलाओं के लिए किया, चाहे उनको किस तरह की बीमारी हुई है, बड़े से बड़े सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी तक मैंने महिलाओं का कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट, सब पैसा हमारी यही बहनों ने कलेक्ट किया है। आज जायसवाल विकास महिला समिति की हमारी अध्यक्षा रीना जी ने मुझे सम्मानित किया है, हमारी पूर्व अध्यक्षा संध्या जायसवाल भी यहाँ पर है, हमारी सभी सदस्य, हमारी ट्रेजर सीता जायसवाल भी यहाँ पर है, सब ने मिल करके मुझे सम्मानित किया और सब ने वो मैंने कहा है कि आप सब जो भी परेशानी, जो भी सजेशन, गाइडेंस मिले तो मुझे भी ज़रूर बताएं ताकि मैं जान सकूं कि मैं क्या मैं कर रही हूं और क्या नहीं कर पा रही हूं उसे मैं करूं। ये इस उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः
अपने सीएम साहब को, अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आज मुझे इस पद के आसीन करके मुझे एक बड़ा दायित्व सौंपा है। बिल्कुल, मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहीं पर बताना चाहूँगी कि लगभग एक सप्ताह पहले मुझे राष्ट्रीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, जबकि पूरे भारत में सिर्फ 16 सदस्य बनाए गए, हर स्टेट से एक एक लिया गया है, तो मुझे उत्तर प्रदेश से बनाया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मैंने बहुत बखूबी निभाया था और मुझे विश्वास है कि आज भी ये जो दायित्व है, एक जो चैलेंज है मेरे सामने, इस चैलेंज को मैं एक एक बहनों को, एक एक स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बेटियों को, कॉलेज में जाने वाली मेरी बहुओं को और हमारी जितनी महिलाएं हैं चाहे जिस उम्र की हो, उनके सामने जो समस्या आएगा उस समस्या का भरपूर ख्याल करके और पूरा समय दे करके उसको डील करूंगी और उसको हर माने से उनकी उत्पीड़न को हटाने का और उसके उत्पीड़न से बचाने का पूरा कोशिश करूँगी।